नमस्कार, मैं हूं राजदीप तोमर और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का कार्यक्रम वाह वाह क्या कहने। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं साहित्य, काव्य और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ बातों पर और आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिसे आप सुनना और देखना पसंद। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी सजल विधा के लेखक व भारत की लीडिंग मीडिया संस्थान में 20 वर्षों से अधिक अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी गरलकंठ जी। तो हम उनका स्वागत करते हैं टीवी 30 इंडिया पर। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी गरलकंठ जी। सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया के कार्यक्रम वाह वाह क्या कहने में। और आपके बारे में एक चीज़ और हम आप बता दें, आप अच्छे लेखक तो हैं ही और बहुत लंबा समय मीडिया से जुड़े रहे हैं और एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में बहुत लंबा समय दिया है और बहुत अनुभव के साथ काम किया है। तो हम आपसे बहुत सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं मथुरा में रहता हूँ, वहीं मेरा कार्यक्षेत्र, पत्रकारिता का भी कार्यक्षेत्र वहीं, शिक्षा का कार्यक्षेत्र भी वहीं। मथुरा से हैं आप, मथुरा क्योंकि धर्म की नगरी मानी जाती है। सबसे पहले तो आप कहाँ से, आपने जो है क्या कहते हैं पत्रकारिता जो आपकी प्रारंभ हुई थी, कहाँ से लेखनी की कहाँ से शुरुआत हुई थी? वो एक अपने आप में एक अलग कहानी है। मैं जिस कॉलेज में काम करता था उसके मैनेजर एक वीकली अखबार निकालते थे, जो हमारे सीनियर साथी थे वो उस अखबार के लिए लिखते थे और मैनेजर उनको कुछ टास्क देते थे। उन्होंने कोई खबर दी, उन्होंने कहा आप इस पर एक मैटर लिख के भेजना। तो मेरे मन में ये करता था कि मुझसे क्यों नहीं कहते हैं, कभी मुझसे कहें कि एक तुम भी लिख के दो जी। लेकिन मैं नया था, मेरी उम्र उस साल उस समय 20-22 साल की थी और जो दूसरे हमारे साथी थे वो अनुभवी थे, 50 साल से भी ऊपर थे, अच्छा लिखते भी थे। कभी एक ऐसा अवसर आया है कि वो दूसरे सज्जन उपलब्ध नहीं थे तो हमारे मैनेजर ने हमको कहा भाई आप इस पर लिख सकते हो क्या? मैंने कहा मैं प्रयास करूँगा। और मुझे आज भी संतुष्टि होती, वो मेरा पहला टास्क था, पहली बार मैंने लिखा, लेकिन वो उनको पसंद आया, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगी। उन्होंने पीठ दबाया, मैंने बोला ठीक है बेटा, वो बुजुर्ग थे, वो लिखा करो, तुम अच्छा लिखते हो लिखा करो। तो मैं उनके अखबार के लिए लिखने लगा। एक कार्यक्रम में उनके अखबार का वार्षिकोत्सव था, उसमें दिल्ली से दो पत्रकार आए, मुझे आज भी उनके नाम याद हैं, ब्रज क्षेत्र के बड़ा प्रतिष्ठित नाम गोपाल प्रसाद जी व्यास जी। सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जी। कभी वो हिंदुस्तान अखबार में कॉलम लिखते थे, नारद जी खबर लाए हैं, और उसको सब पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे और हमें लगता था पता नहीं आदमी कितना विद्वान है, कितना बड़ा आदमी होगा। और एक दूसरे सज्जन थे, उनका नाम था शोभालाल गुप्त। मुझे व्यवस्था ये सौंपी गई, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप इनके ठहरने की व्यवस्था कहीं करा दीजिए, उपयुक्त सा बड़े पत्रकार हैं, मान सम्मान के साथ में ये ठहर जाए, ना असुविधा ना हो। हमने अपने किसी अधिकारी मित्र से बात की और उनकी व्यवस्था की। मैं गाड़ी से जो टैक्सी थी उससे उन्हें वहाँ तक छोड़ने गया। तो उस अखबार के लिए मैंने एक कॉलम लिखना शुरू कर दिया था, कॉलम यक्ष प्रश्नों के झरोके से कॉलम लिखता था मैं जी। यक्ष की ओर से प्रश्न होते थे, पत्रकार की ओर से उत्तर होते थे जी। अखबार उनके पास जाता था, गोपाल प्रसाद जी व्यास जी के पास में, वो किसी से पढ़वा के सुनते थे वो। और बड़ा आश्चर्य होता है आज आप सुनेंगे कि जब मेरा उनसे संपर्क हुआ उस समय वो अपनी आँखें खो चुके थे, देख नहीं सकते थे। अखबार उन्हें एक आदमी दिया था अखबार ने, जो उन्हें अखबार पढ़ के सुनाता था। और उनकी ऐसी विलक्षण याददाश्त थी कि एक एक चीज़ पता नहीं कैसे याद करते थे, क्या करते थे, और जो वो बोलते थे उसको वो आदमी लिखता था, वो अखबार में जाता था, वो छपता था और बड़े सम्मान से बॉक्स बना के। तो मैं उनके प्रति पहले से मन में मेरे में बड़ा आदर था, उनके साथ जाने का मौका मिला। उनने पूछा बेटा ये कौन लिखता है ये? मेरा नाम पूछा पहले, मैंने कहा उपेंद्र त्रिपाठी। बोले तुम वो लिखते हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ। अब उनने दो चार सवाल किए, नाम कहाँ से सूझा आपको जी? तो मैंने कभी वो यक्ष रजिस्टर का संवाद कहीं कोर्स में रहा होगा, पढ़ा होगा, तो मैंने कहा मुझे वो अच्छे लगे प्रश्न।
तो बोले कि किसी अच्छे अखबार के लिए क्यों नहीं लिखते जी। अब मेरे सामने बड़ा संकट था कि जिस अखबार के लिए मैं उनको बुला के लाया हूँ, जो अखबार उन्हें मान सम्मान दे के और कर रहा है, और मैं दूसरे अखबार का नाम कैसे सुझाऊँ। मेरे साथ मेरा किसी अच्छे अखबार से परिचय भी नहीं है, मुझे लगता नहीं कि कोई मुझे सहज में जोड़ना चाहेगा। बोले नहीं नहीं, तुम दिल्ली के अखबार के लिए लिखो। मैं था, मैं तो दिल्ली आज तक कभी गया ही नहीं, तब तक मैंने दिल्ली नहीं देखी थी कैसी होती है। खैर उन्होंने कहा देखो बेटा एक बात है, वो बड़े अपनेपन थे बच्चों के तौर पे, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि मैं कल लौट जाऊंगा यहाँ से, और परसों तुम्हारे संपादक मेरी कॉलोनी में रहते हैं, मैं उनसे चर्चा कर दूंगा, तुम 3 दिन बाद एक खबर भेजना, वो छप जाएगी, तुम जो भी लिखोगे जैसा भी लिखोगे छप जाएगी, उसके बाद की खबर छपने की मेरी गारंटी नहीं है, वो तुम्हारी मेरिट पे है, जो खबर तुमने कितनी दमदार लिखी है, अच्छी है, उसमें क्या है क्या नहीं है, वो मूल्यांकन करेंगे। पहला मूल्यांकन तो मेरे नाम पे, दूसरा तुम्हारे काम पे। मुझे अवसर मिला, मुझे खुशी हुई। आज मैं जब किसी को बताता हूँ कि जिस दिन पहले दिन मेरी स्टोरी अखबार में छपी, मेरे पास स्कूटर नहीं था, मैं साइकिल से चलता था, कोई और कारोबार तो बहुत अब जाके स्थिति आई, तो मैं उस अखबार को अपनी साइकिल के कैरियर में लगा के शहर में घूमा। अरे पहले जो मेरे मित्र थे, परिचित थे, मैंने चर्चा की कि मैं इस अखबार के लिए लिखता हूँ, देखो आज मेरी ये खबर छपी है जी, ठीक है। धीमे धीमे मैं लिखता रहा, उन्हें पसंद आता रहा, छपता रहा, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गया। मेरे एक मित्र जो मथुरा में डिग्री कॉलेज में थे, अच्छे पत्रकार थे, वो अपने किसी साथी को लेके गए हमारे यहाँ उनको रखवाने के लिए कि इनको आप अपना संवाददाता मथुरा से बना दीजिए। तो उन्होंने कहा मथुरा में तो हमारे संवाददाता हैं जी, कि कौन है, कि उपेंद्र त्रिपाठी जी। तो बोले अच्छा, वो तो उन्होंने हमसे कभी जिक्र नहीं किया, बोले आपसे परिचित है, हाँ बहुत अच्छी तरह से। तो बोले अब आप जाओ तो उनसे एक बात कह देना कि मैं उन्हें 1 साल से छाप रहा हूँ, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कभी आके मेरा धन्यवाद देते, कभी मुझसे पूछते कि साहब कोई गलती तो नहीं हो रही है, कभी पूछते साहब मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मेरा कोई रास्ता मुझे बताएं, कुछ और बताएं। बोले आदमी आज तक नहीं आया, वो कैसा आदमी। तो उन्होंने आके हमसे कहा कि भाई आप दिल्ली जाओ, संपादक जी से मिलो। उन्होंने कहा नहीं आए तो हटा दूंगा। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, आपकी कोई छुट्टी होगी तो जाऊँगा। छुट्टी नहीं, छुट्टी लीजिए इस काम के लिए, खास तौर से छुट्टी लीजिए, आप जाइए, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपको कितना बड़ा अवसर मिला है। खैर मुझे वाकई ये लगा पहली बार कि हाँ मुझे बड़ा अवसर मिला है और मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं गया, संपादक से मिला, वो मेरा इंटरव्यू भी था, और मुझे बहुत बाद में मेरी समझ में आई कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया, जैसे आप बैठे हैं अनायास मैं आपसे मिलने आया, और संपादक से मैंने स्लिप भेजी, उन्होंने तत्काल बुला लिया। उन्हें बताइए, मैंने कहा मैं स्लिप पे था, उपेंद्र त्रिपाठी मथुरा। तो बोले आप कुछ खबर लाए हैं। मैंने कहा नहीं, आज तो नहीं लाया। बोले अरे आप अखबार के ऑफिस आए और खाली हाथ। वो कुछ लिख रहे थे, उन्होंने अपने पैड में से 3-4 कागज निकाले, मेरे सामने रख दिए। अब कुर्सी के एक ओर वो थे और दूसरी ओर मैं था। बोले मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तब तक आप एक दो खबर कुछ आपके मन में होगी वहाँ का आप कुछ लिख लो। अब तो मेरे सामने यही तरीका था कि मैं कुछ लिखूँ। अच्छा आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो आप बेहतर समझते होंगे, आपको एकाएक आज कहा जाए कि हाथरस का कोई मैटर दीजिए, अभी दीजिए, आधे घंटे में दीजिए, तो आपका ध्यान तत्काल आप कहीं कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को, और आपको लगेगा हाँ वो फलानी चीज ऐसी जिसको मैं दे सकता हूँ जी। आप फील्ड से जुड़े अगर एक्टिव हैं तो आपका ध्यान आपके नगर की प्रमुख बातों पर जरूर होगा। बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज़ आपसे छिप रही हो। अगर छिप रही है तो अभी आपके काम में कच्चा फन है जी, वो और परिपक्वता आनी चाहिए। खैर मैंने उनके सामने बैठ के 2 खबरें जो मेरे मन में थी वो मैंने लिख दी, तो उनका काम पूरा हो गया। उनने वो कागज़ लिए,
बना था जी। हाँ, तो वो उनको कागज़ पड़ा, बोले इसको देख लीजिए बताइए, और दूसरे उसको बोले जरा कुछ चाहगा भेजो। थोड़ी देर में वो लौट आई, उन्होंने कहा हाँ भाई, तो उन्होंने ठीक है साहब, खबर अच्छी है, खबर बढ़िया है, लगवा दूंगा। तो ना नहीं, इनके बारे में जिसने ये लिखी है आप क्या राय बनाते हैं अपनी? तो जो उनका जवाब था उससे मैं अंदर तक हिल गया, मुझे लगा कि मेरे खिलाफ जा रहा है उनका जवाब। उन्होंने कहा ये जिसने भी लिखी है ये आदमी बहुत चालाक आदमी है। अच्छा, ये सब कुछ लिखता है लेकिन ये कहीं पकड़ में नहीं आता। आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो ये आप अनुभव करेंगे, ये विशेषता हर पत्रकार में होनी चाहिए, उसे रोज काम करना है। आप फील्ड में रोज जाएंगे, रोज कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ दिखाएंगे, तो आप अगर खुद ही फंस गए तो अगले दिन क्या दिखाओगे? बिल्कुल सही बात है। तो आपको इतना सावधान जरूर होना चाहिए कि आप खुद ना फंसे जी। आप एक काम कर रहे हैं, काम के लिए काम करें, आप उसे व्यक्तिगत मत बनाइए। अपना पर्सनल इशू बनाएंगे तो आप नुकसान उठा जाएंगे। ये सुनने के बाद उन्होंने मेरा परिचय सज्जन से कराया, ये उपेंद्र त्रिपाठी हैं, बोले मथुरा से, क्योंकि मेरी खबरें जाती थी, तो बोले हाँ उनको आप ले जाइए अपने परिवार से, परिचय कराइए सबसे, स्टाफ में सबसे इनको बता दीजिए, और इन्हें यहाँ का वर्किंग समझाइए, हम इन्हें अपने परिवार में आपसे जोड़ रहे हैं। तब मुझे पहली बार पता लगा कि मैं से जुड़ गया। जो संपादक थे, बाद में जब मेरा धीमे धीमे परिचय हुआ पता लगा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, और उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी, विद्वान आदमी थे, उनकी मुझ पर कृपा हुई, मैं तो यही कहूँगा। एक बात बीच में रह गई, जो गोपाल भ्रष व्यास जी के साथ में जो दूसरे पत्रकार आए थे शोभालाल जी को जी, वो अंग्रेजी के नेशनल पेपर में लिखते थे, संपादकीय पृष्ठ पर लिखते थे। संपादकीय पृष्ठ पे जो लिखता है वो हम मानते हैं संवाददाता से उनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, कहीं अनुभवी है, कहीं ज्ञानवान है। तो उनसे मैं बचपने में एक बात पूछ उठा जी, मैंने सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, आज आप मुझसे पूछें तो आपको मन में संकोच होगा कि भाई मैं अपने से एक बुजुर्ग आदमी थे, और क्योंकि उनकी उम्र उस समय भी 70-75 साल की थी कम से कम, और मेरी 30-32 ऐसी होगी। तो बोले भाई मैं कक्षा 2 तक पढ़ा हूँ। कक्षा 2 तक? तो मेरे चेहरे पे अविश्वास का सा भाव आया, बोले नहीं मैंने जो कहा है ये सही है। बोले मैं जेल में रहा गांधी जी के साथ, पंडित नेहरू के साथ, उन्होंने कई सम्मानित नाम लिए, बड़े बड़े नाम। अब बोले मुझसे इन लोगों ने कहा तुमको कुछ आता नहीं है, कुछ पढ़ा करो, आओ बैठो मेरे पास। बोले हम जेल में थे, बच्चे थे, और उन बड़े नेताओं को कुछ बच्चे दे दिए जाते थे कि भाई तुम इनका इनकी सेवा करो, इनके लिए पानी ला के दो, इनके लिए और काम करो, इनका बिस्तर ठीक कर दो। बोले मुझे ये काम दिया गया। तो बोले मुझे तो गांधी जी ने पढ़ाया, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट ना तब था ना अब है। जब देश आज़ाद हो गया तो मेरे सामने समस्या थी कि मैं करूं क्या, किसी नौकरी के लिए जाऊं तो पूछते थे आप कितना पढ़े जी। बिल्कुल। तो मुझसे कहा गया कि जब मैं फिर गांधी जी के पास गया कि बाबू मुझ पर तो कोई प्रमाण पत्र है नहीं, अब देश हो गया आज़ाद, जेल में कोई मुझे रखता नहीं, तो मेरा गुजारा कैसे हो? तो उन्होंने बोला अच्छा मैं एक चिट्ठी बोलता हूँ लिखो। उन्होंने पत्र बोला, मैं नाम ले लेता हूँ मुझे संकोच नहीं है, वो बिरला जी के नाम पत्र था जी। बोले भाई इनको अपने अखबार में कुछ काम दे दो, और मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में रख लिया गया। ये बात शोभालाल गुप्त ने मुझे बताई, मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि इतनी बढ़िया अंग्रेजी लिखते थे, मैंने उनको पढ़ा है। बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई, हमारे जो दर्शक होंगे उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है जो आपने बताई शोभालाल गुप्त जी। मुझे आज भी उनको याद कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े सम्मान से याद करता हूँ। दोनों लोग गुजर चुके हैं, आज दुनिया में नहीं है जी, लेकिन मैं कृतज्ञता का भाव उनके प्रति मेरे मन में है आज भी। बहुत आपने बहुत जानकारी वाली बात बताई। एक चीज़ और है कि आप क्योंकि लिखते हैं, इतना बेहतर लिखते हैं, और हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है, और आप अपने लेखनी के लिए दूर दूर तक पहचाने जाते हैं, तो
कैसे आपने जो आपकी पत्रकारिता से और जो आप अब जो आप सजल लिखते हैं उनके तरफ कैसे रुझान आया? देखिए, दो बातें हैं। लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम औरों को पढ़ेंगे नहीं, जो हमसे सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं पहले से, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें कुछ सीखना है तो वो हमारे गुरु हैं, भले हमारे सामने नहीं है जी, ठीक है, वो आज हमारे सामने नहीं। हमने आज एक अखबार का संपादकीय पढ़ा, हमने किसी कवि की बढ़िया सी कविता पढ़ी, किसी का लेख पढ़ा, किसी की अच्छी सी कहानी पढ़ी। आपने बहुत सी कहानियाँ ऐसी पढ़ी होंगी जो बचपन में पढ़ी होंगी और आपको आज याद होंगी। जी बिल्कुल। ऐसे लेखक हो गए जिन्होंने एक कहानी लिखी और वो एक से अमर हो गए, हम आज उन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे पढ़ने का अवसर मिला और जो पढ़ने की चीज थी, जो मेरी रुचि थी, उसने मुझको लिखने की ओर मोड़ दिया। हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, अपना अनुभव बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, लोगों से संपर्क बढ़ता है, कभी बच्चे का दायरा केवल घर तक, उसकी माँ पिता तक, भाई बहनों तक सीमित होता है। घर से बाहर निकलता है तो पड़ोसियों से परिचय होता है, जो साथी बच्चे होते हैं स्कूल में जाएगा, दायरा लगातार बढ़ता जाता है। आज जिस फील्ड में आपका दायरा बड़ा होगा, हर एक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। अब ये हमारी सतर्कता है कि हम उससे क्या सीख लें। जी, मैंने मुझे जब पढ़ने का शौक लगा तो आप वो एक अलग सी घटना है, पता नहीं हमारे दर्शकों के लिए काम की होगी कि नहीं होगी। मैं एक कमरे में हॉस्टल में रहता था, मेरे एक बुजुर्ग साथी थे जो मुझसे बहुत सीनियर थे, और दूसरे कमरे में दूसरे बुजुर्ग रहते थे, उन दोनों की बहस होती थी अक्सर। दिनकर जी की एक किताब शायद आपने पढ़ी हो, परशुराम की प्रतीक्षा। जी। वो किताब तब लिखी गई जब भारत चीन से हार गया 61-62 में, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। दिनकर जी ओज के कवि हैं, वीरता के कवि हैं। दिनकर जी ने जो उसमें कुछ पंक्तियां लिखी तो कुछ पंक्तियां ऐसी थी जो लोगों को लगता था ये पंडित नेहरू के खिलाफ लिखी गई। दिनकर जी राज्यसभा के सांसद थे। जी। राज्यसभा का सांसद वो होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर या पार्टी का प्रेसिडेंट, उस समय तो पंडित नेहरू सर्वे सर्वा थे, उनकी इच्छा के बिना उनकी पार्टी से कोई आदमी राज्यसभा का सांसद बनना संभव नहीं था। बिल्कुल। मतलब दिनकर जी उनके प्रति बहुत कृतज्ञ होने चाहिए थे, लेकिन जब उनका कवि वाला रूप था, वहाँ वो स्वतंत्र थे, तो उन्होंने अपनी उसने हार में जो कुछ सीन थे, हार में जो उनके मन के भाव उठे वो उन्होंने लिखे। कहीं कुछ पंक्तियाँ ऐसी थी जो पंडित नेहरू पे भी चोट करती थी। हमारे दोनों सीनियर साथी उन पंक्तियों पे अक्सर बहस करते थे, दोनों स्टूडियोस थे, दोनों को पढ़ने का शौक था। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था, मैं 25-26 साल का और वो लोग 50-55 साल के, तो मैं उनके बीच में नहीं बोलता था, जैसे दूर बैठता था या सुनता था, लेकिन हस्तक्षेप करने लायक मुझे ज्ञान भी नहीं था जी, और शिष्टाचार भी ये कहता था कि आप कहाँ तक आपकी मर्यादा है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक दिन हमारे जो कमरे में साथी थे वो एक किताब लेके आए और वो उन्होंने मुझे दी, बोले ये परशुराम की प्रतीक्षा है दिनकर जी की, आपने पढ़ी है? मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ी है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था तो थोड़ी रुचि मेरी उधर ज़्यादा थी, इधर कम थी। बोले आप इसे एक बार पढ़ो, आपको अच्छी रहेगी। मैंने बड़े मान सम्मान से किताब ले ली जी, अपनी अलमारी में उसको रख दिया, और आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उस किताब को कतई नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा। और साहब 2-4 दिन बाद उन्होंने मुझसे पूछा, भाई जी आपने वो किताब पढ़ ली? मेरे मुंह से निकल गया हाँ पढ़ ली। बोले आप मुझे देना, मैं लाइब्रेरी से लाया था, वापस कर दूंगा। मैंने उनको तत्काल उठा के दे दे वापस कराई। 2-4 दिन बीते थे और उन दोनों मित्रों में फिर उसी विषय पर बहस हुई। अब उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि भाई जी आपने किताब अभी हाल में पढ़ी है, आप आओ जरा आप बताओ इसमें। पता नहीं, मुझे लगा कि मैं तो संकट में आ गया। खैर, मैंने ये कह के कि साहब आप लोगों के बीच में बोलने लायक मेरा ज्ञान नहीं है, तो मैंने अपना पीछा छुड़ाया
जी, लेकिन मेरे मन में ये लगा कि इस किताब को अब पढ़ना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट डे मैं लाइब्रेरी से उस किताब को लाया और जब तक मैंने एक एक अक्षर पूरा नहीं पढ़ लिया तब तक नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने दिनकर जी की हर किताब पढ़ी, बहुत संपन्न लाइब्रेरी मुझे मिली कॉलेज में, और जितने लेखक उस समय और आज तक चर्चित हैं, बहुत से तो उर्दू के हैं जिन्होंने गज़ल लिखी, जौक हैं, मीर हैं, गालिब हैं, हमने इनको पढ़ा, हमने आचार्य चतुर्सेन को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, भगवत चरण वर्मा को पढ़ा, और ईश्वर की कृपा है जाने किसको किसको पढ़ा, तब लगता है कि अब हम कुछ दो चार अक्षर सीख गए। तो ये पढ़ने के शौक ने, पढ़ने के शौक ने लिखने का, लिखने की तरफ मोड़, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो लोग आप जैसा बनने की सोच भी रहे हैं, कहीं उस राह पर चलने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगर वो जो भी हमारे दर्शक हैं, बिल्कुल उनको भी बार सीखनी चाहिए। पढ़ने को जो मिलता है आपको, जो लेखक है वो आप मान के चले कि वो आपसे ज़्यादा अनुभवी है, ज्ञानवान है, और उसने जो लिखा है उसको एक बार पढ़िए, मूल्यांकन आपके हाथ में है, आपको अच्छा लगे आप आगे बढ़िए, दोबारा पढ़िए उस लेखक को, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लगता है तो कहीं और मुड़ जाइए, नहीं पढ़ना चाहिए। एक चीज़ और हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि कुछ पंक्तियाँ जो आपने लिखी हों वो हमारे दर्शकों के बीच में जरूर सुनाना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा मैं सजल की तरफ कैसे मुड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ये जो डॉक्टर अनिल गहलोत हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, हमारे मित्र थे, तो इन्होंने हमें प्रेरित किया। इन्होंने कहा आप एक बार लिख के देखो, आप एक बार पढ़ो, पहले मेरा लेखा पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो उस समय सजल लिखी नहीं जा रही थी, प्रारंभिक अवस्था थी, आपस में विद्वानों में बहस हो रही थी कि भाई हम अगर हमें वास्तव में हिंदी के प्रति हमारी आस्था है तो हमको जो उर्दू फुर्दू सब छोड़ के हिंदी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, हम हिंदी में लिखें जो लिखते हैं जी, और जो पढ़ते हैं वो भी हिंदी का पढ़ें, उर्दू तो हम पढ़ नहीं पाते, हमने सीखी नहीं कभी, लेकिन हम उर्दू का ट्रांसलेशन पढ़ते थे, मीर, जौक, गालिब, इन सबको हमने इनका अनुवाद पढ़ा है हिंदी में जी। तो गलत जी ने प्रेरित किया, बोले आप जो है ना आप एक बार पढ़ो। तब तक इन विद्वानों में अक्सर बैठकर होती थी, बहस होती थी कि भाई जो है इसे लिखा कैसे जाएगा, हर भाषा का एक व्याकरण है, और आज बड़ी कमजोरी है, कमजोरी है, और उस कमजोरी के लिए मेरा एक सुझाव भी है, आज व्याकरण बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी में भी आज ग्रामर पढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे जो शिक्षक हैं, खासतौर से छोटी कक्षाओं में जहाँ से जड़ बनती है बच्चे की, उन्हें अधिक जागरूक होना पड़ेगा, व्याकरण के प्रति ज़्यादा समर्पित होना पड़ेगा। सजल विधा जिस समय प्रारंभ हुई, इन तमाम विद्वानों ने मिलकर इसके मानक तय किए, कौमा कहाँ लगेगा, विराम कहाँ आएगा, पंक्ति जिसे हमने पल्लव का नाम दिया, पल्लव का अंत कैसे होगा, उसका तुकांत क्या होगा, समांत क्या होगा, पदांत क्या होगा जी। हम जहाँ से सजल शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ की दोनों पंक्तियाँ जिन्हें हम आदिक कहते हैं जी, उनका क्या स्थिति होगी, अंतिक जो लास्ट में पंक्तियाँ आएंगी वो कैसी होंगी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ आसान है, ये थोड़ा सा समझने को हमें लगता है आसान है, हम कुछ सीख गए, हम मैं ये नहीं कहते हम हमें लिखना आ गया, हम परिपक्व हो गए, ऐसा नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं और शायद जीवन भर सीखेंगे, हर आदमी सीखता है, और जो ये भ्रम पाल लेता है कि मैं सीख गया वो मुझे लगता है नुकसान में रहता है, तो मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ों को मैं समझ गया हूँ, समझ में आती हैं, आसान है, दूसरे लोग भी ध्यान देंगे इस शिल्प को तो समझ में आएगा, बिल्कुल। तो इससे मैं प्रेरित हुआ। एक बड़ी अच्छी बात थी कि सब पंक्तियाँ बराबर होनी चाहिए, मात्रा भार कितने शब्द हमने कितनी पहली पंक्ति में लिए हैं वो दूसरी में होंगे, तीसरी में, चौथी में, वो पानी में नहीं, वो बराबर होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं जी। मुझे लगता है कि मैं एक दो सजल आपके प्रस्तुत करूँगा। पहली सजल, सजल से जुड़ी है जी। सजल क्यों लिखी जानी चाहिए, कहाँ तक इसकी ऊंचाई पहुँच सकती है जी। मैं सजल पढ़ता हूँ। जहाँ कोई नहीं पहुँचा
वहाँ अभियान पहुँचेगा, हिमालय से बहुत ऊपर सजल का मान पहुँचेगा। करो उनकी सदा सेवा, मिला जीवन तुम्हें जिनसे। माता पिता की ओर संकेत है, करो उनकी सदा सेवा, मिला जीवन तुम्हें जिनसे। मिलेगी आयु धन यश बल, गगन तक गान पहुँचेगा। बिल्कुल, हम बच्चों को पढ़ाते हैं संस्कृत में श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने बड़ों की सेवा करते हैं उनकी चार चीज़ें आयु विद्या यश बल, चारों चीज़ें बढ़ती हैं। तो मिलेगी आयु धन यश बल, गगन तक गान पहुँचेगा। भले कितनी मुसीबत हो इरादे हो मगर ऊँचे, भले कितनी मुसीबत हो इरादे हो मगर ऊँचे। प्रगति की दौड़ में आगे अभी इंसान पहुँचेगा। जुटे हैं देश दुनिया के परस्पर होड़ भरने में। आज हमारे सामने तमाम चुनौतियाँ, देख रहे हैं देश के सामने क्या स्थिति है। पृथ्वी से लोग हमें चुनौती देते हैं, मतलब आश्चर्य होता है। कभी आप देखिए ना, आप किससे लड़ना चाहते हैं, कल्पना तो करो, सोच तो लो, पहले हिसाब किताब गुणा भाग सब करके देख लो कि आप फायदे में रहोगे नुकसान में रहोगे। अगर नुकसान में रहोगे तो क्यों लड़ रहे हो। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भले कितनी मुसीबत हो इरादे हो मगर ऊँचे। प्रगति की दौड़ में आगे अभी इंसान पहुँचेगा। जुटे हैं देश दुनिया के परस्पर होड़ भरने में। भरोसा है हमें आगे ये हिंदुस्तान पहुँचेगा। भरोसा है हमें आगे ये हिंदुस्तान पहुँचेगा। मरुस्थल ही मरुस्थल है चतुर्दिक, पर नहीं चिंता। परिश्रम से यहाँ भी एक नखलिस्तान पहुँचेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। परिश्रम से जहाँ भी एक नखलिस्तान पहुँचेगा। हमारे ज्ञान की जय जय, हमारे ज्ञान की जय जय, विज्ञान की जय जय सदा से है। हमारे ज्ञान की जय, विज्ञान की जय जय सदा से है। धरा से शीघ्र मंगल तक हमारा यान पहुँचेगा। आप जिस फील्ड में, आपको पता होगा यान मंगल पे पहुँच गया हमारा। बिल्कुल। शायद दुनिया के हम पहले देश हैं, मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूँ तो शायद हम पहले देश हैं जिनका यान मंगल तक पहुँच गया है। भटकते ही रहे पाकर जमाने की भर की दौलत ने, भटकते ही रहे पाकर जमाने भर की दौलत वे, थपेड़े वक्त के खाकर वहाँ अनजान पहुँचेगा। वहाँ अनजान पहुँचेगा। कुछ और पंक्तियाँ मैं निवेदन करूँगा। हमें बड़ी शिकायत होती है, ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हम अकेले पड़ गए हैं, बाकी सारे लोगों के साथ तो भीड़ है जी, हमारा कभी कभी मनोबल टूटने लगता है। तो मैं ये अनुभव करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मनोबल को ऊंचा रखिए, मनोबल ऊंचा रहेगा। आपको कोई अपना मिले नहीं मिले, साथी हो नहीं हो, आप नितांत अकेले हो। साहित्य में वो ताकत है जो मुझे लगता है संसार की किसी चीज़ में नहीं। आपके हौसले को बढ़ा सकता है, ज्ञान को बढ़ा सकता है, मनोबल को ऊंचा कर सकता है। दूर तक कोई नहीं अपना मिला, आँख को अब तक नहीं सपना मिला। माल सब बेटा उड़ा कर ले गया, माल सब बेटा उड़ा कर ले गया। माँ को माला मात्र ही जपना मिला। माँ जो है, जिसने इकट्ठा किया था, पिता ने इकट्ठा किया था, वो बुजुर्ग हो गए, कमजोर हो गए, उनमें दम नहीं थी जी। बेटा उस सबको ले उड़ा। सोचते वे क्या करें इस धन का हम, सोचते वे क्या करें इस धन का हम। रात दिन हमको तो बस खटना लिखा। ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास तमाम धन है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, हमने कमा तो लिया इसको जी। सही। कुछ यहाँ सुख की अधिकता में दुखी, थोड़ा विरोधाभास है। सुख भी ज़्यादा मिले तो वो कष्ट पहुँचाता है जी। आपको 24 घंटे सुविधा दी जाए, बढ़िया से बेड पे आप आराम से लेटे, एसी लगा हो, कोई काम नहीं करना हो, सब आपको लेटे लेटे मिले जी। चाहे भोजन सुख सुविधा जितनी भी संभव है, जो आप चाहते हैं, आप ऊब जाएंगे, मन नहीं लगेगा, परेशान हो जाएंगे। कुछ यहाँ सुख की अधिकता में दुखी, कुछ हैं जिनको कष्ट में तपना मिला, कुछ हैं जिनको कष्ट में तपना मिला। वे अयाचित पा गए सब कुछ यहाँ, अयाचित मांगा नहीं था उनने, याचना नहीं की। वे अयाचित पा गए सब कुछ यहाँ,
एक हमको सिर्फ दुख देहना मिला, एक हमको सिर्फ दुख देहना मिला। एक और आप, हम चाहेंगे एक और हमारे दर्शकों के लिए आप लेख सुनाएं। एक छोटी सी सजल प्रस्तुत करता हूं। आज कई बार अनुभव ये होता है कि आत्मीयता हमारी घट रही है। हम लोग चर्चा करते हैं, हम अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो वो कहते हैं हमारे जमाने में बड़ा अपनापन था, एक दूसरे के सुख दुख में बड़े शामिल होते थे, कहीं किसी कमजोर को देखते थे बड़े उसका साथ देते थे, कहीं आज इस भाव में कमी तो नहीं आ रही है। मैंने कुछ पर ध्यान देने की कोशिश की है, आज अपनापन कहीं पर खो गया, आज अपनापन कहीं पर खो गया, आदमी को देखिए क्या हो गया, कह दिया उसके ही मुंह पर उसका सच। जरा किसी के सामने उसका सच बोल के देखो, झगड़ा हो जाएगा जी, विवाद खड़ा हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी। कह दिया उसके ही मुंह पर उसका सच, शत्रुता का बीज गहरा हो गया, दुश्मनी हो गई, चिड़चिड़ा जिद्दी सा बच्चा था कभी, मन किसी के प्यार में चुप्स हो गया, मन किसी के प्यार में चुप्स हो गया, पीठ पीछे छल सदा करता रहा, पीठ पीछे। आज की परिस्थितियां भी वही हैं, हमारी जहां सी जरा सी नजर चूकती है तो हमारे पड़ोसी हमको धोखा देते हैं, बिल्कुल परेशानियां पैदा करते हैं, और जब पकड़ जाते हैं तो रोते हैं कि ना हमने नहीं किया ये जी। पीठ पीछे छल सदा करता रहा, मित्र जब पकड़ा गया तो रो गया, मित्र जब पकड़ा गया तो रो गया, मित्र था निर्धन बहुत, मित्र था निर्धन, मित्रता में ऊंच नीच धनी गरीब नहीं देखा जाता, आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी है दूसरे की खराब है, पर कोई बात नहीं, आपका मित्र है, मित्र है तो है। तो मित्र था निर्धन बहुत पर मित्र था, वक्त पड़ने पर वो कर बहुत, वो कुछ कर तो गया, काम आपके वो आएगा जी। अगर आपका मित्र है, हो सकता है आपके धनवान मित्र उस समय कोई व्यस्तता बता के उस समय अपने बुजुर्ग आपके साथ खड़े ना हो पाए जी, लेकिन जो आज कमजोरी की स्थिति में है वो ध्यान रखेगा, वो अपना फर्ज रखना जरूर पूरा करेगा। क्या कहें, किससे कहें, सब हैं बधिर, बहरा हो गया जमाना सुनता नहीं जी। क्या कहें किससे कहें, सब है बधिर, बिन सुने आरोप दे हमको गया, बिन सुने हमारी सफाई सुनी नहीं, बोले आरोप लगाए। बहुत आपका बहुत 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 बहुत, बहुत ये समझिए इतने बेहतर लेख हमारे दर्शकों ने भी आपके सुने हमारे चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे हम, क्योंकि समय की कमी के चलते नहीं तो हम और भी बहुत कुछ आपसे सुनना चाह रहे थे, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी लेखनी है, हम लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ समय के अभाव के चलते हम नहीं और आगे आपके कुछ लेख सुन पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द आगे, बहुत जल्द हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे TV30 India पर, और हमारे दर्शकों के लिए कुछ नए और जो आपके लिखे हुए लेख होंगे हम उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। और बहुत हम लोगों को अच्छा महसूस हुआ, TV30 India को बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकाल कर, और आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। खास बात यह है कि धन्यवाद मैं आपको इस आदर और सम्मान के लिए, और साहित्य के प्रति आपका जो माध्यम है वो रुचि दे रहा है जनता तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करेगा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त। आज हमारे साथ मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी गरलकंड जी, और उनसे हमने बहुत सारी बातें की और उनकी जीवन के विषय में भी बातें हुई, इसी के साथ साथ हमने उनकी तमाम सारी रचनाएं भी सुनी। द्वार क्यों भटक रहा है, छूट गया उस द्वारे आया, माना तू व्यापारी है पर इसको बिना विचारे आजा आजा वो बनियारे आजा, द्वार द्वार क्यों भटक रहा है, छोड़ गया उस द्वारे, आरती का ले आऊं रुक घर के चौबारे आजा, थाल आरती का ले आऊं रुक घर के चौबारे आजा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 India को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।